सो फ्रेंड, आज मैं आप लोग को बताने वाला हूँ कि आप अपने सैमसंग स्मार्टफोन पर एस सिक्योर फोल्डर कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं और उसे कैसे यूज़ कर सकते हैं। जैसा कि आप सभी लोग जान रहे होंगे कि माइनॉक्स की पॉलिसी खत्म हो चुकी है, और आप नहीं भी जान रहे होंगे तो मैं आप लोग को बता देता हूँ कि आप अपने डिवाइस पर माइनॉक्स यूज़ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इसकी पॉलिसी 19 दिसंबर 2017 से खत्म हो चुकी है। जितने भी हमारे फ्रेंड हैं जो इस पॉलिसी को यूज़ कर रहे हैं या माइनॉक्स अपने डिवाइस पर यूज़ कर रहे हैं, तो उनके में अभी माइनॉक्स रन हो रहा होगा, लेकिन जैसे ही आप उसे डीएक्टिवेट कर देंगे या अनइंस्टॉल कर देंगे, उसके बाद आप फिर से उसे एक्टिवेट या इंस्टॉल करना चाहेंगे तो आप उसे यूज़ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उसकी लिमिट जो थी वो ख़त्म हो चुकी है। तो माइनॉक्स के बजाय आप लोग क्या यूज़ कर सकते हैं, तो उसके लिए सैमसंग एक नया फीचर लेके आया है जिसे हम सिक्योर फोल्डर कहते हैं। बट इसमें भी आप लोग को टर्म एंड कंडीशन है। मैं आप लोग को ये भी बता दूँ कि एस सिक्योर फोल्डर आप सिर्फ 7.0 या उससे अपर ओएस में यूज़ कर सकते हैं, आप मार्शमेलो या उससे नीचे ओएस पे उसे यूज नहीं कर सकते। इसके लिए भी बहुत जल्दी ही अपडेट आ जाएंगे सैमसंग की तरफ से, तो उसके बाद आप बड़ी आसानी से एस फोल्डर को यूज कर पाएंगे। फिलहाल मैं आप लोग को बता देता हूं कि आप सिक्योर फोल्डर अपने डिवाइस पर कैसे यूज कर सकते हैं। तो मैं एक चीज और बता देना चाहता हूं कि सैमसंग अपने बहुत सारे डिवाइस में सिक्योर फोल्डर पहले से ही प्री इंस्टॉल देता है, बट जिन डिवाइस में आप लोग को प्री इंस्टॉल नहीं मिलता है, आप उसमें कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, इंस्टॉल कर सकते हैं और एस सिक्योर फोल्डर को यूज कर सकते हैं। तो मेरे पास है अभी J7 2016, तो मैं इसी डिवाइस में आप लोग को ये चीज इंस्टॉल करके दिखाने वाला हूं। तो हाय फ्रेंड्स, मैं हूं विवेक, आप देख रहे हैं शर्मा जी ब्रदर्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सो फ्रेंड्स, सिक्योर फोल्डर डाउनलोड करने के लिए और इंस्टॉल करने के लिए सबसे पहले आप लोग को ज़रूरत पड़ेगी इंटरनेट कनेक्शन की। तो मैं आप लोगों को यहाँ पर बता देता हूँ कि हम अपने डिवाइस पर इंटरनेट कनेक्शन ऑन कर लेते हैं। तो ये रहा हमारा डिवाइस, और मैं यहाँ पे अपना इंटरनेट कनेक्शन जो है वो ऑन कर लेता हूँ। तो ये मेरा इंटरनेट कनेक्शन यहाँ से हो गया है ऑन, और हमें यहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी सर्च करने की एस सिक्योर फोल्डर सैम मोबाइल पर। तो मैंने पहले ही सर्च कर लिया, सर्च करके उसका लिंक जो है वो कॉपी करके रख लिया है, और उस लिंक को मैं आप लोग को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप बड़ी आसानी से उस लिंक के थ्रू डायरेक्ट पेज पर चले जाएंगे और वहाँ से अपने एस सिक्योर फोल्डर को डाउनलोड कर सकते हैं। इससे आप लोग का टाइम बचेगा। तो मैं आप लोग को बता देता हूँ कि मैंने उसे मैसेज कर दिया है और उसका लिंक सेव कर लिया, तो आप देख सकते हैं ये है मेरा मैसेज बॉक्स, और मैंने यहाँ पर अपने सेकंड नंबर पर इसे सेंड करके इसका जो लिंक है उसे कॉपी कर लिया है। तो ये लिंक पे आपको सिंपली यहाँ से टैप करना है, टैप करने के बाद ये लोडिंग होगा, लोडिंग होने के बाद ये डायरेक्ट आपको सैम मोबाइल के पेज पर लेके चला जाएगा, जहाँ पे आप सिक्योर फोल्डर डायरेक्ट डाउनलोड कर पाएंगे। ये देखिए यहाँ पे से, तो मैंने इस एप्लीकेशन को पहले ही डाउनलोड कर लिया है, तो मैं आप लोग को उसे भी दिखा देता हूँ। तो मैं यहाँ से निकल जाता हूँ बाहर और मैं चला जाता हूँ माई फाइल्स पर। तो माई फाइल्स पर जाने के बाद ये देखिए, तो यहाँ पर हम चले जाते हैं एपीके पर, एपीके पर यहाँ पर डाउनलोड। तो डाउनलोड पर आप, मैं यहाँ पे फोकस करके आप लोगों को दिखा देता हूँ कि ये जो हमारा एस सिक्योर फोल्डर है ये हमारे पास आ चुका है, मैंने इसे डाउनलोड कर लिया। तो इसे मैं यहाँ से सिंपली इंस्टॉल कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मैं इसे इंस्टॉल कर लेता हूँ, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरा जो सिक्योर फोल्डर है वो इंस्टॉल हो चुका है। तो मैं इसे यहाँ से डन कर देता हूँ। डन करने के बाद हम रिसेंट क्लियर कर लेते हैं। रिसेंट क्लियर करने के बाद हम चले जाते हैं हमारे मेन मेनू बार पर, और यहाँ से हम सर्च कर लेते हैं एस सिक्योर फोल्डर। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, मैं आप लोगों को फोकस करके भी दिखा देता हूँ, यहाँ पे हमारा एस सिक्योर फोल्डर का ये देखिए लोगो आ चुका है, और ये एप्लीकेशन हमने इंस्टॉल कर लिया अपने डिवाइस पर सक्सेसफुली। तो मैं इसे यहाँ से ओपन कर लेता हूँ, तो ये देखिए कुछ इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिलेगा आप लोगों को जब पहली बार आप इसे ऑन करेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ से हम इसे सेटअप कर लेते हैं। तो मैं यहाँ से नेक्स्ट कर देता हूँ और यहाँ पर मैं इसे स्टार्ट कर लेता हूँ। तो स्टार्ट करने के बाद ये कंफर्म के लिए परमिशन मांगेगा, तो मैं इसे कंफर्म कर देता हूँ। फिर आप यहाँ से पैटर्न कर सकते हैं, पिन कर सकते हैं या पासवर्ड कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे सिंपली अभी पैटर्न कर देता हूँ आप लोगों को दिखाने के लिए। तो यहाँ पे हम नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट करने के बाद कोई भी सिंपल सा पैटर्न या फिर आप जैसा भी लॉक पैटर्न रखना चाहते हैं आप यूज़ कर सकते हैं। तो मैं सिंपली अभी इसे एक्टिवेट कर देता हूँ और यहाँ से मैं कन्फर्म कर देता हूँ। कन्फर्म करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं क्रिएटिंग सिक्योर फोल्डर करके, यहाँ पे आपका जो सिक्योर फोल्डर है वो यहाँ पे अलग से आप लोगों के लिए एक स्पेस बना रहा है आपके डिवाइस में, जिसमें आप अपने पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों ही लाइफ को अलग कर सकते हैं, और आप दो एप्लीकेशन यूज़ कर सकते हैं बिना किसी दिक्कत के। आप अपने फाइल को हाइड करके रख सकते हैं, आप अपने फ़ोटोज़ हाइड कर सकते हैं, वीडियोज़ हाइड कर सकते हैं, आप अपने डॉक्यूमेंट्स अलग कर सकते हैं। तो ये काफ़ी अच्छा सिस्टम है जो सैमसंग की तरफ से हमें दिया जाता है, काफ़ी अच्छा एप्लीकेशन है, जिससे आप अपने पर्सनल जो भी डॉक्यूमेंट्स है उसे आप अलग से क्रिएट कर सकते हैं एक फोल्डर, और आप अपने डिवाइस पर एक ही फ़ोन पर आप दो फ़ोन की तरह अपने फ़ोन को यूज़ कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं जितने भी बेसिक एप्लीकेशन है जो आप लोगों की नीड होती है वो सारे एप्लीकेशन यहाँ पर आ चुके हैं। साथ ही साथ मैं आप लोगों को ये भी बता दूं कि आप इसमें अलग से एप्लीकेशन जो हम थर्ड पार्टी एप्लीकेशन यूज़ करते हैं उसे भी आप
एस सिक्योर फोल्डर पर इंस्टॉल कर सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं। तो ये सिंपल सी मेथड है, आप बड़ी आसानी से उसे कर सकते हैं। बाय द वे, अगर आप चाहते हैं कि सिक्योर फोल्डर पर मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊँ जिसमें मैं सारी चीज़ें कवर करूँ और काफ़ी डिटेल्स आप लोगों को बताऊँ कि ये कैसा काम करता है, आप एप्लीकेशन कैसे ला सकते हैं, कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं, कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं और बहुत सारी चीज़ें, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, तो मैं आपके लिए एक डेडिकेटेड वीडियो ले आऊँगा जिसमें आप लोग को जानने में काफ़ी आसानी होगी। तो आप देख सकते हैं ये जो एप्लीकेशन है ये हमने सक्सेसफुल इंस्टॉल कर लिया है अपने J7 2016 पर। मैं आप लोग को ये भी बता दूँ जितने भी डिवाइस जो रन कर रहे हैं 7.0 या उससे अबव वाले OS पर, तो आप बड़ी आसानी से उसमें, मतलब सैमसंग की डिवाइस में, आप बड़ी आसानी से सिक्योर फोल्डर को यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए मैं आप लोग को कुछ चीज़ें दिखा देना चाहता हूँ। तो ये हो गया है इंस्टॉल, इंस्टॉल होने के बाद हम यहाँ से बैक हो जाते हैं। बैक होने के बाद मैं आप लोग को एक चीज़ और दिखा दूँ। आप लोगों के पास जैसे ही आप नोटिफिकेशन पर जाएंगे, नोटिफिकेशन पैनल पर जाएंगे, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पे आप लोग को एस सिक्योर फोल्डर का कोई लोगो देखने को नहीं मिलेगा। आप ध्यान से देख सकते हैं, ये देखिए। तो आपको उसे कैसे क्रिएट करना है, तो आपको जाना है अपने सेटिंग पर। तो आप देख सकते हैं मतलब नोटिफिकेशन बार के सेटिंग पर, सेटिंग में जाने के बाद आपको जाना है बटन ऑर्डर पर। जैसे ही आप ऑर्डर पर क्लिक करेंगे तो आप लोगों को यहाँ पर ये देखिए ऑप्शन मिल जाएगा एस सिक्योर फोल्डर का, ये देखिए आप देख पाएंगे। तो आपको बड़ी आसानी से कुछ नहीं करना है, आपको करना है टैब एंड होल्ड और इसे लाकर रख देना है सामने और यहाँ से कर देना है डन। तो जैसे ही आप इसे डन कर देंगे, डन करने के बाद हम चले जाते हैं हमारे मेनू बार पर और आप यहाँ पर देख सकते हैं आपका जो सिक्योर फोल्डर है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। आपको लोगों मैं फोकस करके दिखा देता हूँ, यहाँ पे जो हमारा सिक्योर फोल्डर है ये देखिए, तो इसके आइकॉन को या सिक्योर फोल्डर को आप यहाँ से हाइड कर सकते हैं ताकि कोई और इसे यूज़ ना कर पाए या देख ना पाए। तो आपको सिंपली करना ये है कि आपको अपने नोटिफिकेशन बार पर जाना है, ये देखिए, और यहाँ पर आपको मिल जाएगा आपका सिक्योर फोल्डर का आइकॉन। आपको यहाँ पे से इसे डीएक्टिवेट कर देना है। तो जैसे आप इसे डीएक्टिवेट कर देंगे तो ये आपके मेन मेनू बार से गायब हो जाएगा आपका जो सिक्योर फोल्डर है उसका आइकॉन और पूरा का पूरा सिक्योर फोल्डर। आप देख सकते हैं यहाँ पर, देख सकते हैं यहाँ पर हमारा सिक्योर फोल्डर था सेटिंग के जस्ट पहले। यहाँ पर आपको कहीं पर भी सिक्योर फोल्डर का आइकॉन देखने को नहीं मिलेगा। और आप इसे वापस से एक्टिवेट करना चाहते हैं तो आपको सिंपली करना ये है, आपको फिर से जाना है अपने नोटिफिकेशन बार पर और आपको यहाँ से सिक्योर फोल्डर को टैप करके एक्टिवेट कर देना है। तो जैसे आप इसे एक्टिवेट कर देंगे तो यहाँ पर हम फिर से देख सकते हैं कि ये देखिए यहाँ पर हमारा जो सिक्योर फोल्डर है ये वापस से आ चुका है। तो ये काफ़ी अच्छा फीचर लगा मुझे सैमसंग की तरफ से। और आप इसे कैसे यूज़ कर सकते हैं तो मैं आपको बता दूं कि जैसा कि हमने इसे अभी अभी एक्टिवेट किया है तो ये बिल्कुल ब्लैंक है। तो यहाँ से हम इसे अनलॉक कर लेते हैं और मैं आप लोग को दिखा देता हूँ कि गैलरी पर हमारे पास अभी कुछ नहीं है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर पिक्चर भी ब्लैंक है, नो आइटम्स हैं यहाँ पर, एल्बम भी, आप यहाँ पे स्टोरी भी देख सकते हैं कि बिल्कुल नया है, इसमें कुछ नहीं है। तो आप इसमें कैसे ऐड कर सकते हैं, मतलब जो भी आपके पर्सनल फोटोज़ग्राफ हैं या वीडियोस हैं या जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं, आप उसे कैसे मूव कर सकते हैं अपने एस सिक्योर फोल्डर पर, वही मैं आप लोग को बताने वाला हूँ। तो हम यहाँ से बैक हो जाते हैं, बैक होने के बाद हम चले जाते हैं अपने गैलरी पर। तो यहाँ से हम अपने गैलरी पर चले जाएंगे और यहाँ पे कुछ फ़ोटोज़ हैं मेरे पास, तो आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास, यहाँ पे देख सकते हैं 4 फोटोज़ हैं। तो मुझे अगर सिंपली यहाँ से करने हैं शुरू के 2 फोटोज़, तो मैं यहाँ पे इसे मार्क कर लूँगा। मार्क करने के बाद मैं यहाँ पे 3 डॉट पर चला जाऊँगा और यहाँ पे सबसे नीचे आप देख सकते हैं मूव टू सिक्योर फोल्डर यहाँ पर लिखा हुआ है, ये देखिए। तो आपको सिंपली करना है ये, इसे टैप कर देना है। टैप करने के बाद ये आपसे परमिशन या मांगेगा और अनलॉक करने बोलेगा आपके सिक्योर फोल्डर को, तो आप यहाँ से अनलॉक कर दीजिए। जैसे आप इसे अनलॉक करेंगे यहाँ पर आप देख सकते हैं मूविंग आइटम और यहाँ पे से 2 जो मेरे फोटोज़ थे वो हम मेरे फोल्डर पर चले गए हैं सिक्योर फोल्डर पर। तो मैं इसे गैलरी को हटा देता हूँ और हटाने के बाद हम चले जाते हैं अपने फोल्डर की तरफ, सिक्योर फोल्डर की तरफ। और यहाँ पे ये देखिए सिक्योर फोल्डर को मैं जैसे ही टैप करूँगा और इसे अनलॉक करूँगा, अनलॉक करने के बाद यहाँ पर हम चले जाते हैं गैलरी पर। तो जैसे ही मैं गैलरी पर जाऊँगा तो आप देख सकते हैं कि मैंने जो 2 फोटोग्राफ्स इसमें सेंड किए थे, इमेज जो सेंड किए थे, आप देख सकते हैं यहाँ पर आ चुके हैं। तो इसी तरह आप बड़ी आसानी से इसे क्रिएट कर सकते हैं। साथ ही साथ मैं आप लोग को बता दूं कि आपको इसे वापस से अनलॉक करना है तो आपको सिंपली इसे मार्क करना है, 3 डॉट पर जाना है। डॉट पर जाने के बाद आप देख सकते हैं मूव आउट टू सिक्योर फोल्डर, तो आप इसे जैसे ही टैप करेंगे ये वापस से आपकी गैलरी पर चले जाएंगे। तो ये देखिए यहाँ पे ये फिर से ब्लैंक हो चुका है और हम यहाँ से बाहर निकल जाते हैं। बाहर निकलने के बाद जब हम अपनी गैलरी पर जाएंगे तो गैलरी पर जाने के बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो हमारे 2 फोटोग्राफ्स थे या जो 2 इमेज थे वो फिर से यहाँ पर 4 हो चुके हैं। तो आप बड़ी आसानी से इसी तरीके से कोई भी वीडियोज़ को या फोटोज़ को अपने गैलरी से डायरेक्ट सिक्योर फोल्डर पर सेंड कर सकते हैं और बड़ी आसानी से उसे सिक्योर कर सकते हैं। और सिक्योर फोल्डर में जाने के भी बहुत सारे फ़ायदे हैं। आप यहाँ पर 2 एप्लीकेशन यूज़ कर सकते हैं, चाहे आपका व्हाट्सअप हो, फेसबुक हो या हाइक हो या कोई सा
भी एप्लीकेशन हो, आप अपने पर्सनल एप्लीकेशन को, मतलब पर्सनल लाइफ को और प्रोफेशनल लाइफ को अलग रख पाएंगे इस एप्लीकेशन की मदद से। और काफ़ी अच्छा एप्लीकेशन है, इसमें आपको बहुत सारे ऐप, थर्ड पार्टी ऐप जो आप यूज़ करते हैं उसे भी इसमें इंस्टॉल कर सकते हैं बड़ी आसानी से। इसमें बहुत सारे सेटिंग्स दिए हुए हैं, आप उसे जाके एक बार चेकआउट कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि इस पर, यानी कि सिक्योर फोल्डर पर, मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊं जिसमें मैं सारे फीचर्स बताऊं, इसमें आपको क्या क्या फीचर मिल जाएंगे, आप कैसे यूज़ कर सकते हैं, तो उसके ऊपर भी मैं एक वीडियो बना देता हूं। तो उसके लिए आपको सिंपली करना ये है कि आपको हमारे कमेंट बॉक्स पर जाके कमेंट करना है कि मैं इस पर एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊँ या नहीं। और अगर आपके कोई छोटे मोटे क्वेश्चन होंगे तो आप बड़ी आसानी से हमसे पूछ भी सकते हैं, मैं आप लोगों की जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगा। तो इस तरीके से आप अपने डिवाइस पर, जितने भी सैमसंग के डिवाइस हैं जिन पर आपको माइंडनॉक्स का सपोर्ट अब नहीं मिलता वहाँ पर, लेकिन शर्त यही है कि वो नौगट होना चाहिए, नोगट से ऊपर का ओएस होना चाहिए, तो वहां पर आप बड़ी आसानी से एस सिक्योर फोल्डर यूज कर सकते हैं। अगर आपके डिवाइस में पहले से दिया हो तो काफ़ी अच्छी बात है, बट अगर आपके डिवाइस पे नहीं दिया गया है तो जैसा कि मैं आप लोग को पेज का लिंक दिया हूँ डिस्क्रिप्शन में, आप जाके चेक कर लीजिए, वहाँ से आप बड़ी आसानी से इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं, डाउनलोड करके यूज़ कर सकते हैं। काफ़ी अच्छा एप्लीकेशन लगा मुझे पर्सनली सैमसंग की तरफ से। तो अगर आप लोग को आज का वीडियो पसंद आया होगा तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि मैं आप लोग के लिए नया नया वीडियो लेकर आते रहता हूँ। तो आज के लिए बस इतना ही, जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक यू।